अस्सलाम वालेकुम, मैं आज बनाने लगी हूँ चप्पल कबाब। और ये मैंने ले लिया है कीमा, बिल्कुल थोड़े से मैं कबाब बनाऊँगी, तकरीबन दो ही बनेंगे। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये है मक्की का आटा, और ये है नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है अनारदाने का पाउडर। आप इसको थोड़ा सा दरदरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पाउडर था, पिसा हुआ था, मैं वो डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, गरम मसाला, ठीक है जी। ये सारे मसाले गए, और फिर इसके अंदर जो है ना, ये है टमाटर चॉप किया हुआ, सब्ज़ मिर्च, प्याज और धनिया, चारों चीज़ें ये भी गई। अब इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। ये इसको इस तरह से पहले बाउल बना के इसका, फिर इसको आप हाथ की मदद से थोड़ा सा कर लें। और बाद में क्या करें कि आपने देखा होगा कि तवे के ऊपर जब डालते हैं ना, तो वो इसी तरह से उसको फैला लेते हैं। इस तरह से तवे के ऊपर डालें और इसको इतना बस चौड़ा करें, और उसके बाद तवे के ऊपर ही फैला लें। कभी आपने देखा है शायद बनते हुए, थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, लेते हैं और तवे के ऊपर ही इसको कर लेते हैं, बाकी का इसको फैला लेते हैं। और ये इस तरह से टमाटर का पीस। और मैंने आपको ये बताना था कि मैंने बहुत ही कम ऑयल लिया, आप देख रहे होंगे कि साइडों पे कोई आपको ऑयल नहीं नज़र आ रहा, मैंने सिर्फ इसको ग्रीस किया तवे को। बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है इतने ही ऑयल में, जो मैंने सिर्फ ग्रीस किया था। ये देखें, दोनों साइडों पे ही। ये जी कबाब जो है ना, ज़बरदस्त गर्मा गर्म और मज़ेदार तैयार हो गए हैं। और इसी तरह से आप बना के देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। आप अगर थोड़े से दरदरा मसाला डालना चाहते हैं, वो भी डलता है, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह पे वो मसाला कौन सा है, धनिया, अनारदाना, लेकिन मेरे पास पिसा हुआ था, मैंने पिसे हुए डाले हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, बहुत मज़े के बनते हैं। आप भी ट्राई करिएगा, बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। और इसी के साथ इजाज़त, अस्सलामुअलैकुम।